अध्याय तीन देख रहे हैं, हमें संसद क्यों चाहिए। संसद यानी कि पार्लियामेंट, ये हमें क्यों चाहिए, इसके सवाल जवाब देखेंगे। ये संसद की तस्वीर के जरिए यहां कलाकार ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो आप ये देखें कि सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं और लोगों के ही हाथों पर, या ये कहें उनके कंधों पर संसद है। प्रत्येक व्यक्ति यहां पर आप देखें, पुरुष भी है, स्त्री भी है, प्रत्येक व्यक्ति और अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं वो भी यहां दिखाए गए हैं। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको निर्वाचित होकर संसद पहुंचने का अधिकार है और देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। ये चित्र से बताने की ये कोशिश की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कारण बताइए। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए, सार मतलब सभी, वयस्क यानी कि जो एडल्ट हो गया है, जिसकी उम्र या एज समझदारी की हो गई है। मताधिकार, मत यानी होता है वोट, अधिकार यानी कि राइट, यानी वोट करने का जो राइट है, अधिकार है, उसे मताधिकार कहते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, पक्ष में आपको बताना है। तो लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। सबकी भागीदारी हो, सबकी और सबकी हिस्सेदारी हो। इसमें सभी वयस्क नागरिक, वयस्क नागरिक वो कहलाए जाते हैं जिनको, जिन्होंने एक ऐसी एज अटेन कर ली है, ऐसे उम्र में आ गए हैं जो समझदार हो गए हैं। तो सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, क्योंकि अब वो समझदार हैं, वो चीजें समझते हैं। नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क अधिकार से हो सकती है। तो अगर ये होगा तभी जो ये दो बातें हैं इनकी पूर्ति हो पाएगी। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा, अपनी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, आपकी राय जो है इसको चर्चा करना है। तो क्लास का जो मॉनिटर है उसका चुनाव शिक्षक द्वारा ना करके विद्यार्थी जो है उनके द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक होगा। जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने उनको चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है। जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग इसलिए नहीं कर पाएंगे या कम करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि वह उनका प्रतिनिधि नहीं है, वो उनकी चुनाव नहीं है। इसके अलावा अगर और दूसरी बात कही जाए तो ये भी हो सकता है कि जो आपके शिक्षक हैं वो ये कर सकते हैं कि दो तीन लोग बता दें जो उन्हें लगता है कि हाँ क्लास में, क्योंकि वो समझदार हैं जो शिक्षक हैं, और जो बच्चे हैं अभी थोड़ा बढ़ रहे हैं, समझदारी प्राप्त कर रहे हैं, तो टीचर बता सकते हैं कि ये दो तीन हैं, इनमें से आप सिलेक्ट करिए या इलेक्ट करिए, इनको चुनाव की, और उनमें से आप एक इलेक्ट कर सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है। विधायक MLA कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो विधायक यानी कि MLA विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा कि राज्य को जो बांटा जाता है वो अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि शहर को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है, फिर ये जो वार्ड है इनको सब मिला के, कई वार्डों को मिला के और पॉपुलेशन के हिसाब से एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। और ये निर्वाचन क्षेत्र जो होता है यहां से एक विधायक चुना जाता है। अब ये बहुत सारे जो विधायक क्षेत्र हैं उनको मिला के फिर एक क्षेत्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है जहां से MP चुना जाएगा। तो ये लेवल बाय लेवल बढ़ता है। तो विधान सभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र बढ़ गया, और जो भी निर्वाचन क्षेत्र हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे कहते हैं, इस पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। और निर्वाचन कौन करता है या इलेक्ट कौन करता है इन्हें, ये जनता करती है। तो यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक यानी कि MLA कहलाता है। और ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 ईयर्स के लिए। और MLA जो है वो विधायक होते हैं, तो वो विधायिका जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि जो राज्य की जो विधायिका है उसके मेंबर होते हैं। तो राज्य के कानून या राज्य
को चलाना, नियंत्रण करना और राज्य का प्रारूप बनाना, ये इनके हाथ में होता है। आपने चुना है तो आप ही बना रहे हैं एक तरीके से। राज्य विधानसभा सांसद यानी कि लोक सांसद लोकसभा, इसके राज्य विधानसभा सांसद लोकसभा के बीच में क्या फर्क है, इसके बारे में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखिए, राज्य विधानसभा में जो लोग जाते हैं या आप जिनको इलेक्ट करते हैं वो विधायक कहलाते हैं, यानी कि विधायक। आपने हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक स्टेट होगा, स्टेट के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र पर बने होंगे और निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बहुत सारे वार्ड होंगे। अब क्या होगा कि निर्वाचन क्षेत्र से आप एक को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और वो जो इलेक्ट करेंगे वो MLA कहलाएगा, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। अब उन वो जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे वो एक समूह बनाएंगे, जबकि जो संसद है वो, जैसे लोकसभा की बात हो रही है, वो सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के समूह से बनती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है बनिस्बत के कि विधायक का जो क्षेत्र है, और ये रिप्रेजेंट करता है आपको देश में, सांसद यानी कि पार्लियामेंट में जो विधायक आप चुनते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेट के लेजिस्लेचर में, यानी कि आपका स्टेट का जो एक तरीके से सांसद मान लीजिए, जो स्टेट का होगा राज्य का, उसमें आपको रिप्रेजेंट करता है। तो सांसद के MP पूरे देश से चुनकर आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा की जहां तक बात है ये उसी राज्य से सिलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि एक एक राज्य में चुनाव होगा, वहां पर अलग अलग विधायक चुने जाएंगे, फिर वो एक चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक राज्य सरकार बन जाएगी। लेकिन जो ये एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है, तो एक स्टेट को और जैसे कम भागों में बांटा गया, यहाँ से एक MP, यहाँ से एक MP, यहाँ से एक MP, यहाँ से एक MP, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होगी, और ये सब सिलेक्ट होके जब आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, तो फिर ये लोग समूह बनाते हैं और फिर ये प्रधानमंत्री का चयन करता है, जिनकी संख्या ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है। जो विकल्प है, कौन से काम राज्य सरकार के हैं, कौन से केंद्र सरकार के हैं, तो चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, यानी कि चाइना, अब ये हमारा पड़ोसी देश है, तो जहां पर हम देशों की बात करते हैं, यानी कि हम विदेश हो गया हमारे लिए, और विदेश जहां पर आता है वहां पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, केंद्र सरकार काम करती है। मध्य प्रदेश में जो बोर्ड है उसके तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, ये राज्य सरकार का काम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, वहां के उनके जो राज्य सरकार का जो शिक्षा मंत्री है वो ये तय करेगा, और साथ में लोग डिसाइड करेंगे विधायक की करना क्या है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। अब अजमेर कहाँ पर है, अजमेर आपका राजस्थान में हो गया, मैसूर किसी और क्षेत्र में हो गया, कर्नाटक के एरिया में हो गया, तो अब अजमेर और मैसूर के बीच में चलानी है, तो दो स्टेट की बात में आ गई, तो इसको कौन देखेगा, केंद्र सरकार देखेगी। 1000 रुपए का नोट जारी किया जाएगा या बंद किया जाएगा, इसको कौन करेगा, केंद्र सरकार। आपको याद होगा 8 तारीख 2016, तो 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, किसने किया था, मोदी साहब ने इसके बारे में कहा था, तो वो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, तो केंद्र सरकार करती है उसे। यहां आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो मैं एक एक करके बताता हूं। जो प्रतिनिधि है, देखिए क्या क्या है इसमें, देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार है आपके पास, विधायक है और प्रतिनिधि है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से, यहां पहला आएगा, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी, या विधायक, क्योंकि विधायक दिया इसलिए हमने विधायक लिखा, MP होता तो अगर उसकी बात हो रही होती, किसकी, देश की बात हो रही होती तो MP कहते, राज्य की बात हो रही है तो विधायक होते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, यानी कि जो सफरेज है, वोटिंग सफरेज जिसे कहते हैं, वो नहीं देती। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जन प्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं?
इसका कारण यह है कि जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना देगा कि एक बार आप हो गए, इलेक्ट हो गए तो हमेशा आप रहेंगे। उनको ये बात रखनी पड़ेगी उनके दिमाग में कि वो कुछ समय के लिए, उसके बाद अगर आप उन्होंने काम नहीं किया तो जनता उन्हें बदल सकती है। निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि वाकई में उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। जैसे मैंने बताया, अगर वो उनकी हितों का ध्यान नहीं रखता है तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटाया जा सकता है, अगले अगला जो चुनाव होगा उसमें उनको हटाया जा सकता है। इसलिए निरंकुशता बहुत गलत हो जाएगी। आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं, लेते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा नाटक। विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ जुलूस निकालने या नुक्कड़ नाटकों या सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन कर सकता है। ये भी हो सकता है कि विद्यार्थियों का एक जो समूह है सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ अखबार में लेख लिखने का मंचन कर सकता है। विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, आप जो चूज करें। ये जो तालिका है इसके आधार पर दिए गए कुछ प्रश्न है, उसका हमें उत्तर देना है। ये 1984 में असम और पंजाब के लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप यहाँ पर जो असम और पंजाब के अलावा जो नंबर्स है वो देखिएगा। 1984 की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, सीपीआई को जो सीपीआई सीपीआईएम है इनको 222 मिली थी। इस तरीके से और लोगों को जैसे ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक है उनको भी अच्छी खासी सीट मिली थी। टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी उनको भी 30 मिली थी। तो 514 करीब है। इसमें आप 545 सीटें इसलिए नहीं देख पा रहे बल्कि 543 आपको दिखने चाहिए, 443, क्योंकि दो तो वो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, तो 543 इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि असम में और पंजाब में चुनाव नहीं होते। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि सरकार कौन बनाएगा। हमने देखा कि सबसे ज्यादा किसका है, 404 जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक 404 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के 50% प्रतिशत से भी अधिक है। 272 का आंकड़ा होना चाहिए, 404 है इनके पास। विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका होगी? वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं होंगे वो विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी, ये अब देखिए इनके पास 30 सीटें हैं, सबसे अधिक सीटें अगर देखा जाए 404 के बाद तो टीडीपी के पास है, उसके बाद जो माकपा है, माकपा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उनके पास है। इसलिए इनको विपक्ष का कार्य ये टीडीपी हम कह रहे हैं विपक्षी दल होगा। मुख्य विपक्ष का कार्य होता है कि जो सरकार की अगर कमी है कोई, या सरकार की जो पेस है, जो उसकी काम करने की क्षमता अगर कम हो रही है या फिर नहीं कार्य कर रहे हैं वो, तो उस पर चेक रखना, उनको जनता के सामने लाना। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, तो राष्ट्रीय और क्षेत्र दलों के वे सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, जितने भी लोग सांसद है सब आएंगे। क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी है? तो हाँ, क्योंकि उस वहां पर भी हमने यही सीखा था कि इस तरीके से सिलेक्ट हो इलेक्ट लोग होते हैं और उसके बाद वो एक सरकार चलाता है, एक जो है विपक्ष काम करता है। यहाँ पर 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिए हुए हैं, इसके आधार आपको जवाब देने हैं। देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा एक एक करके कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है, आपके विचार में ऐसा क्यों है। तो देखिएगा ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे ज्यादा है, ये अलग अलग क्षेत्र है, आप अपना बुक जरा देखिएगा उसमें ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। और लोकसभा में जो किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है, तो इसका उत्तर है मणिपुर और त्रिपुरा। और किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जीती हैं। और आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताएं, तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो बनाएगा। वैसे राज्य, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव हैं तो सरकार
कौन सा दल सरकार बनाएगा आपके राज्य में, ये थोड़ा सवाल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोई राज्य में से नहीं सरकार बन रही है, ये देश की सरकार बन रही है। संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण यहां पर है, उसके बाद देखिएगा कुछ यहां पर सवाल है आपके। तो पहले सवाल बता दूं, उस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ये जो प्रश्न है उसके माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है। अगर आप सांसद होते तो कौन से दो सवाल पूछते? तो यहां पर जो लोकसभा है, अतरांकित प्रश्न संख्या 2007 दिनांक 30 नवंबर 2007 को उत्तर के लिए विद्यालयों में जंक फूड, इसके लिए सवाल किया गया है। तो 2007 इसका नंबर है कि श्री सालरापट्टी कुप्पुसामी खारवेंतन, उन्होंने क्या पूछा कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR इसने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड है, जैसे हम आज कहते हैं ना जो चाउमीन है, मोमो है, ये सब जंक फूड कहलाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने का तथा पोषण मानक विकसित करने के लिए कहा है, और यदि हाँ, दूसरा सवाल ये आता है कि अगर इसके सवाल हाँ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और फिर क्या केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपर्युक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है, और उसके बाद यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो जवाब ये मिलता है कि महिला और जो बाल विकास मंत्री मंत्रालय की जो राज्य मंत्री हैं उनका जवाब होता है कौर ख के लिए कि जी हाँ, जी नहीं, राष्ट्रीय जी नहीं कहा उन्होंने। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा है कि वे विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने के लिए विषय पे विचार करें, और ग और ख इसका प्रश्न नहीं उठता। तो ये देखिएगा कि अगर आप सांसद होते तो क्या करते। तो स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, एक तो ये बताना है आपको। देखिए कि जिन स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई गई है उन्हें दंड देने का क्या प्रावधान किया गया है, ये पूछा जाता और इसका जवाब देते। यदि जंक फूड खाने से किसी छात्र को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, इसका प्रावधान क्या किया गया, तो इस तरीके से ये सवाल आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और ये तालिका है, इसको देखने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में जनता, या ये कहे चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बड़ी है या शुरुआती वृद्धि के साथ प्रायः स्थिर रही है। तो आप एक एक करके देखिएगा इसका क्या उत्तर आता है। देखिए, जनता की जो सहभागिता है, पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 44.87, उसके बाद बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, हल्का बढ़ा। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर अगर मैं नंबर दूं, यहां पर अगर आपके नंबर हो ये वाले, इस तरीके से नंबर, ये वाले नंबर यहां लिखे जाए, और यहां पर है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मैं मतलब एक अंदाजे से बना रहा हूं ये। तो देखिए, पहला अगर मान लीजिए ये 44 है, ये 44, तो 61 इससे बढ़ा है यहां पर, फिर 55, 61 और 44 के बीच में, तो यहां पर इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप 55, फिर 60, तो 61 पर आप गए थे, यहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद 60 के बाद 63 है, थोड़ा और ऊपर चले जाइए, उसके बाद आप 56 पे चले जाइए तो थोड़ा और नीचे आ जाइए, और 58 जो है थोड़ा सा हल्का। तो आप देखें इसका जो कर्व एक तरीके से बन रहा है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, इसका इसकी चर्चा करनी है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारा जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं को उनके परिवार वालों ने या वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है। वही महिलाएं आ पाती हैं जो जिनके परिवार राजनीति में होते हैं, तो वो आ जाती हैं। महिलाओं की राजनीतिक या राजनीति में स्वयं ये माना जाता है कि रुचि उनकी कम होती है, और राजनीति में बढ़ता जो अपराधीकरण है उससे महिलाएं चिंतित रहती हैं, इसलिए वो नहीं आ पाती हैं, या कम इसकी अपराधीकरण का कारण भी चिंतन है उनका। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो सभी वयस्कों को मताधिकार जो है देने का कारण ये होता है, और ये क्यों दिया गया कि सभी वयस्क नागरिकों को की जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें भागीदारी देने के लिए कहा गया या देने के लिए उनको प्रेरित किया गया, और लोकतंत्र में नागरिकों की जो भागीदारी है, सहमति है, उसका महत्व दिया जाता है।
तो ये नागरिकों की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, सहमति है, ये कैसे हो सकती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही तो हो सकती है। बंगाल में 2004 में संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। अब ये बगल लिखा है, बंगाल नहीं है, आई एम सो सॉरी। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने जाते लोग जाते हैं, कितने निर्वाचित सदस्य जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? तो ये क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, इसे आपको नहीं दिख रहा है। तो आप देखिएगा, कुल सीटें जो सामान्य है वो यहाँ दिखाई गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कलर है। अब इसका उत्तर ये है कि विद्यार्थी जो जिस राज्य से आते हैं वहाँ उनको आपको खुद ही बताना पड़ेगा। और जो अगर बुक में देखेंगे तो हरे रंग का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और नीले रंग का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आपने जो पढ़ा था कि अध्याय एक में कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी कि केंद्र सरकार, दूसरा स्तर जो है विभिन्न राज्य जो विधायिका है, जो विधायिकाओं, राज्य सरकार को हम कहते हैं, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। तो अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचना के आधार पर आपको ये तालिका भरनी है। तो कौन सा या कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो आप देखिए इसका उत्तर ये देखिए कि अगर आप आज की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। तो राज्य सरकार क्या है, केंद्र सरकार क्या है, अपने ये आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि राज्य सरकार में, राज्य में क्या है। क्योंकि ये खुद ही, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो खैर यूनियन टेरिटरी है, तो राज्य की बात करते हैं, राज्य की बात क्या की बात करें, तो अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहां पर भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भाजपा की सरकार है। अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भाजपा की सरकार है। लेकिन अगर आप आज की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है। अगर तेलंगाना की बात करें तो टीआरएस की सरकार है। जो और अलग अलग क्षेत्र में जैसे आप जाएंगे तो अलग अलग आपको ऐसे मिलेगा। तो अपने हिसाब से बताइएगा। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो है, अगर आप पहले की बात करें तो यूपीए सरकार थी। लेकिन आज की बात है, 2009 से जो 2014 तक यूपीए की सरकार रही, लेकिन 2014 के बाद केंद्र सरकार जो है वो आपकी एनडीए की, यानी कि इसमें जो मेन घटक है वो आपका भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। और 2019 की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पर ये इधर पे तो वो 303 के ऊपर सीट ले आए, यहाँ पर करीबन 270-80 के करीब, 282 सीट या 283 सीट ऐसे थी। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।